आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी मेरे दोस्तों को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है तीन ताल कायदे का पलटा नंबर 4। दोस्तों आप लोग पलटा नंबर 3 तक सीख लिए हुए थे, उसके बाद जो आपका बच गया था पलटा नंबर 4 था, अब जो था वो पलटा नंबर 5 रहेगा। इसके बाद हम आप लोगों को तिहाई बता देंगे, ताकि ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि कम बताएं और आप लोग अपने से तैयार करें कुछ, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि ये वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा, जो कि 10-12 मिनट 15 मिनट का होगा, तो इस प्रकार से है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ इसमें कि आप लोगों से कोई ऐसा बोल ना छूट जाए जो कि आप लोगों को बजाने ना आवे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को बताऊँ कैसे हैंड को रखना है, कौन सा फिंगर कहाँ रखेंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी तबले से। अब जैसे हमें तीन बजाना है तो तीन कहाँ बजाएंगे, कैसे फिंगर को रखना है? तीन तो ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें मेनली रूप से यदि तबले से तीन की बोल निकालनी है तो कैसे फिंगर को रखेंगे? तो स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा, और फिर लौ पर बजाएंगे तो तीन शब्द की आवाज़ आएगी, तीन शब्द की आवाज़ आएगी। तो यानी इस प्रकार से हम आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक बोल को तोड़ तोड़ करके बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पलटे का बोल है धा 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 तेर ते धा धा तेर ते धा धा तू ना ताता ताता तेर ते धा धा धीना, ठीक है? ये आपका पलटे का बोल है धा धा तेर ते धा धा तूना ताता ताता तेर ते धा धा धीना। तो गेस कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसे बजाना है। तो चलिए इसे हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, बजा करके आप लोगों को सुना देते हैं एक एक करके, फिर आप लोगों को मैं बोल बताऊंगा। देखिए बोल है धा 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 ते ते धा धा ते ते धा धा तूना ता 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 ते ते धा धा ते धा धा धीना, इस प्रकार से। तो अब देखिए इसे बजाना है कैसे। सबसे पहले फिंगर को कैसे रखेंगे ये हमें ध्यान देना है, यानी कि हमारा जब तक फिंगर का रख रखाव न ठीक होगा, उंगल यानी कि हाथों का रख रखाव न ठीक होगा, हम लोग तबला वादक यानी तबला बजा नहीं सकते, अच्छे से तबला बजा नहीं सकते, ठीक है? तबले से बोल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमारे फिंगर का रख रखाव किस प्रकार से होगा वो देखिए। स्याही देख रहे होंगे आप, ये लॉ देख रहे होंगे, ये आप चाटी देख रहे होंगे, तो स्याही और लॉ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे। इस फिंगर का नाम है अनामिका, इस प्रकार से आप याद रखेंगे फिंगर को। ये आपका अनामिका हो गया, ये मध्यमा हो गया जो कि ये उठा हुआ है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये होगा आपका तर्जनी, जिससे हम चाटी पर आघात करेंगे तो ता या ना शब्द की आवाज़ आएगी, ठीक है? डग्गे पर बजाना है घेस, दोनों के एक बार आघात करेंगे तो हो जाएगा धा, दो बार बजाएंगे तो धा। अब दोस्तों मैटर ये फंसता है कि धाधा कैसे बजाएंगे, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम बताएं धाधा बजाएं बजाने के लिए, और वो क्या करते हैं धा धा इसी दोनों से बजाए। जैसे कि मैं एक दो वीडियो देखता रहता हूँ जो लोग भेजते रहते, भैया सब भेजते रहते हैं जो तबला सीख रहे हैं, तो वो भेजते रहते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ कि इसी फिंगर से वो डायरेक्टली बजाते हैं। दोस्तों ये सबसे गलत है,
धा तो धाधा तो आप बजा लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बजा सकते, धाधा आप बजा लेंगे, लेकिन जो धाधा शब्द की आवाज वो आप नहीं निकाल पा सकते ना। उसके लिए आपको एक ट्रिक है, इससे ओंगल भी चलता है और आप बहुत ही अच्छे से डग्गे का आवाज़ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस दोनों फिंगर को सटा रखना है, मध्यमा और अनामिका को, और इससे घे बजाना है, घे, ठीक है, और चाटी को बजाना है ना। तो इस दोनों को एक बार अगर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे होंगे। और इससे भी बजाना है, पहले एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार, यानी बेरा बारी इस दोनों को अदल बदल करना है, ठीक है। देखिए धा 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 धा, समझ रहे होंगे आप, ठीक है, धा 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 धा, ते टे ते टे, तेटे तेटे भी जब बजाएंगे तो उसी प्रकार से, जैसे ये फिंगर दोनों सटा होना चाहिए, ये इस प्रकार से, देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है, ते टे ते टे, समझ गए, धा 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 धा, ते टे ते टे, समझ गए, धा धा ते टे धा धा ती ना, ये हो गया धा धा, ये हो गया ती, ये हो गया ना, ती ना, ती बजाएंगे लो पर, चाटी पे बजाएंगे ना, ती ना, ती ना, ना, ठीक है, धा 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 धा, ते 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 ते, धा धा ते ते, धा धा ती ना। उसके बाद बजाएंगे ता ता, ता ता जब बजाएंगे वो चाटी पर बजाएंगे ता ता, ठीक है, ता 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 ता, ते 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 ते, ठीक है, धा धा ते ते, धा धा धी ना। अब मैटर फंसेगा, धीना कैसे बजाएंगे, ये मैटर, ये आप लॉ देख रहे होंगे, यहाँ बजाएंगे तीन, ये आपका हो गया तीन, लॉ पर ही बजना चाहिए, ठीक है, तीन, और ये आपका हो गया घे, इसको थोड़ा स्लाइड करना है, धीरे बजाएंगे ना तो ये जैसे ये घे बजाते हैं, घे, ठीक है, तो देखते देखिएगा ध्यान से, ये घे आप बजा रहे हैं, अब इसे थोड़ा स्लाइड करेंगे, घे 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 घे, तो इस प्रकार थोड़ा स्लाइड कर देना, ठीक है, घे स्लाइड करेंगे तो स्याही के बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है, देखिए धा 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 धा, ते 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 ते, धा धा ते ते, धा धा ती ना, ठीक है, ता 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 ता, ते 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 ते, ठीक है, धा धा ते ते, धा धा ती ना, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा इसका दुगुना करेंगे, ये हमें ध्यान देना है कि स्लाइड हो रहा है या नहीं, देखिए आगे पीछे करते रहना, ठीक है, आगे पीछे, ये जो दोनों एंगल जो हम लोग चला रहे हैं तो इससे आगे पीछे, एक एक बार, एक बार इससे, एक बार ऐसे, ठीक है,
प्रकार से आपको इसे बजाना है। गेस करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखे। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।